हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल ब्लूम होम कुकिंग में स्वागत है। और आज की रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड। आज हम इसे बहुत ही सिंपल वे से बनाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है और इसमें हम 600 ml तक दूध डाल देंगे। दूध में एक बॉयल आने के बाद इसमें हम 3 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम अब दूध को अच्छे से चला लेंगे और इसे पकने देंगे। एक कटोरी में हम 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और ठंडे दूध से इसका हम सॉल्यूशन बना लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। दूध और कस्टर्ड के सॉल्यूशन बना के हम एक साइड रख देंगे और अपने दूध की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा दूध थिक हो चुका है काफ़ी देर पकाने के बाद। मैंने इसे 7 से 10 मिनट तक इसे पकाया है। अब दूध में हम कस्टर्ड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे और कॉन्टीन्यूस हम दूध को चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध में लम्स पड़ जाएंगे जो अच्छा नहीं होगा। हमें लम्स एकदम पड़ने नहीं देना है दूध में, इसे कॉन्टीन्यूस हम चलाते रहिए। 2-3 मिनट पकाने के बाद देखिए हमारा कस्टर्ड पक चुका है एकदम और थिक भी हो चुका है हमारा दूध। तो अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम सारे फ्रूट्स डालेंगे। जैसे फ्रूट्स में मैं अनार डाल रही हूँ, पपीता डाल रही और बनाना डाल रही हूँ। आपको जो भी डालना है, आप सेब डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, आम डाल सकते हैं, कीवी डाल सकते हैं, जो फ्रूट अवेलेबल हो घर में आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा कस्टर्ड एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम फ्रूट्स में कस्टर्ड डाल देंगे। देखिए कितना थिक और स्मूदी हमारा कस्टर्ड लग रहा है देखने में। अब कस्टर्ड में मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ जिसमें बादाम और काजू है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहिए तब भी, बट इसके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और हम कस्टर्ड को 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख के सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारा कस्टर्ड अब सेट हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं कस्टर्ड को ग्लास में सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी कटोरी में, आइसक्रीम सेट में, किसी में भी सर्व कर सकते हैं। कस्टर्ड को अनार के दाने और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। देखिए हमारा कस्टर्ड देखने में कितना टेस्टी यम्मी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी यम्मी होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।